Good morning, dear students. This is your general knowledge class, and today we will discuss some topics like photosynthesis and respiration from the chapter plantlets. So let's start. Photosynthesis, the method used by the green plants to make food using sunlight, is called photosynthesis. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा मेथड है जिसमें ग्रीन प्लांट सनलाइट की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं। जैसे कि एक चपाती को बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की नीड होती है, जैसे आटा, फायर एंड वाटर। सेम उसी तरह एक प्लांट को भी अपना खाना बनाने के लिए कुछ चीजों की नीड होती है, और वो चीजें हैं एयर, वाटर एंड सनलाइट। और इन तीनों की हेल्प से एक प्लांट अपने लिए खाना बना पाता है, और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स। प्लांट वाटर और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को सॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब करता है, और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में रूट उसकी हेल्प करती है। तो रूट के थ्रू एक प्लांट वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। स्टेम कैरीज द न्यूट्रिएंट टू द लीफ ऑफ द प्लांट। एक पौधे का तना उन न्यूट्रिएंट्स को पौधे की पत्तियों तक लेकर जाता है। द लीफ इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। लीव प्लांट का ही एक पार्ट है और ये पौधे के लिए खाना बनाता है। एक लीफ में पिगमेंट पाया जाता है जो उसे ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, जिसे कि हम क्लोरोफिल कहते हैं। हम जानते हैं कि एक प्लांट को खाना बनाने के लिए तीन चीजों की नीड होती है, सनलाइट, वाटर एंड एयर। तो सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है क्लोरोफिल, इसीलिए लीफ को फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट भी कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन करते हैं और ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट को देते हैं। नाउ रेस्पिरेशन। प्लांट रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ प्लांट यूजिंग अ फूड made through photosynthesis and turning them into energy for growth, reproduction and other life process. So, जैसे कि एक human body life process की कुछ work करती है, जैसे कि सांस लेना, reproduction करना और बहुत सारे work। इन सभी work को complete करने के लिए हमें energy की need होती है। सेम प्लांट्स को भी अपनी लाइफ प्रोसेस के वर्क को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी की नीड होती है, और ये एनर्जी वो फोटोसिंथेसिस में जो फूड वो बनाते हैं उससे ऑब्टेन करते हैं। तो प्लांट रेस्पिरेशन एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जो फूड बनाता है उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे कि वो लाइफ प्रोसेस के बहुत सारे वर्क को अच्छे से कंप्लीट कर सके। नाउ इट इज द टाइम फॉर क्विज। रूट कंटेन सीड। प्लांट का पार्ट फ्रूट, उसके अंदर सीड पाए जाते हैं, और सीड हेल्प करते हैं एक प्लांट को और बाकी सारे प्लांट्स जर्मिनेट करने में। मतलब सीड के थ्रू ही नए नए प्लांट्स उगाए जाते हैं। तो अगर पूछा जाए आपसे कि प्लांट का वो कौन सा पार्ट है जहां पर सीड पाए जाते हैं, तो वो है फ्रूट। स्टेम ऑफ द प्लांट कैरीज इट्स फ्रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। लीफ पौधे के लिए खाना बनाने का काम करती है, और उस खाने की एनर्जी को प्लांट के अदर पार्ट्स में लेकर जाने का वर्क स्टेम करती है। सीड ऑफ ए प्लांट हेल्प इट ग्रो अ न्यू प्लांट। एक पौधे का
सीड ही हेल्प करता है नए न्यू प्लांट्स को ग्रो करने में. रूट ऑफ ए प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट. एक पौधे की रूट्स हेल्प करती हैं उसे वाटर और अदर न्यूट्रिएंट्स को सॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब करने में. अब प्लांट का वो पार्ट जो उसे ब्रीद करने में हेल्प करता है, तो वो अकेली लीव्स नहीं है, रूट एंड स्टेम भी इसमें उसकी हेल्प करती है. सो ये कुछ क्विक क्विज थे जो कि पेज नंबर 19 जीके की बुक में है. सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा.